दिल्ली विधानसभा में आप विधायक मोहिंदर गोयल ने लहराई नोटों की गड्डी तो मचा हड़कंप। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने नोटों की गड्डियां लहरा दी। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन यानी आम आदमी पैच दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आम आदमी पार्टी के रिठाला से विधायक मोहिंदर गोयल ने सदन में नोटों की गड्डियां दिखाई। उन्होंने दावा किया कि जो पैसा वह सबके सामने दिखा रहे हैं ये नोट रिश्वत के हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती के नाम पर मुझे रिश्वत दी गई। विधायक मोहिंदर गोयल का आरोप है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में नर्सिंग आदि की भर्ती के लिए टेंडर निकला है। सरकार का नियम है कि 80% पुराने कर्मचारियों को रखना है, लेकिन अस्पताल में ऐसा नहीं होता। इसमें बड़े स्तर पर पैसे की उगाही होती है। नौकरी मिल जाने के बाद भी कर्मियों को पूरे पैसे नहीं मिलते, ठेकेदार उनमें से बहुत पैसे खुद ले लेते हैं। कर्मचारी इस मामले को लेकर अस्पताल में स्ट्राइक पर बैठे, वहां उनके साथ मारपीट भी हुई। उन्होंने आगे कहा कि मैंने इसे लेकर DCP, मुख्य सचिव और दिल्ली के उपराज्यपाल तक से शिकायत की है। उन्होंने मुझसे सेटिंग की कोशिश की कि इस मामले में विधायक को भी मिला ले। खुलासे के लिए मैंने उनसे सेटिंग की और DCP को जानकारी दी कि 15 लाख रिश्वत का पैसा मुझे दे रहे हैं और मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं जान जोखिम में डालकर यह काम कर रहा हूं। वे इतने दबंग लोग हैं कि मेरी जान ले सकते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बता दें कि बीते कुछ समय से दिल्ली में सड़क से लेकर सदन तक भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मगर आज आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली विधानसभा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जब मोहिंदर गोयल ने हाथ में लेकर नोटों की गड्डियां दिखाई, गड्डियां दिखाने के बाद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल की तरफ से कार्यवाही का आश्वासन दिया गया और विधायक से इस मामले को लेकर शिकायत करने को कहा। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।